हरी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ आमदार अबू असीम आज़मी साहब है। सर, आपके पाँव में काफ़ी तकलीफ़ है, उसके बावजूद भी आप पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी विज़िट कर रहे हो। पूरे रमज़ान में आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी विज़िट किया, लोगों के घर पर गए, आज इस दावत अफ्तार में गए, क्या कहेंगे सर? किस तरीके लोगों ने चुन के दिया है और एक मौका ऐसा है कि हम सबको मिलजुल कर हम बैठे हैं, एक साथ में इफ्तार करें, ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं हैं। तो अब हम लोग आए यहाँ पर सब एक साथ, सारे लोगों को बैठा के इफ्तार पार्टी हुई है आने वाले ईद के लिए। सब मिलजुल कर ईद मनाएं और अपने पड़ोसी, चाहे वो किसी जात धर्म का हो, बुलाकर उसके साथ गले मिले, उसको सेवई खिलाएं। यही मैसेज देने में बार बार गोंडी आता हूँ। अबू असीम साहब, जिस तरीके से आप जीत की हैट्रिक अब तक लगा चुके हो, तो क्या इस बार जीत का चौका लगेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? इंशाल्लाह, अगर जनता कहेगी तो लड़ूंगा इलेक्शन, जनता नहीं कहेगी तो नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। सर, आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर इंडिया अलायंस, ये जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारी है महाराष्ट्र के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? क्योंकि महाविकास आघाड़ी, ये जो सरकार का एक इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में बनाया हुआ, और आप जो है यूपी की समाजवादी पार्टी के दिग्गज महाराष्ट्र में हो, लेकिन एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है सर एमवीए ने अभी तक, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा। मैं इस वक्त मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है, लेकिन एक अफसोस की बात है कि देश में नफरत के पुजारी लोगों ने ऐसी नफरत भर दिया है कि अगर मुस्लिम को कोई दूसरा वोट ना देने पाए, एक माहौल बन गया है। तो मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि हमें टिकट मिले, मुस्लिम को टिकट मिले या ना मिले, हमें ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए जो लोग इस देश में नफरत को ख़त्म करके आपसी भाईचारगी का काम करें, जो ईमानदार लोग हों, वो किसी धर्म के भी हों। कोई बहुत ज़रूरी नहीं इलेक्शन लड़ना है, लेकिन अच्छे लोगों को चुन के लाना ज़रूरी है। सर, रमज़ान के इस शुभ अवसर पर आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? भैया, रमज़ान ख़त्म हो रहा है, एक दो दिन और बाकी है। सबसे कहता हूँ कि खूब इबादत कीजिए, दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इस मुल्क में जो है खुशहाली आए, नफरत ख़त्म हो। जो लोग आजकल नफरत के नाम पर जो है लोगों को बांट रहे हैं, ऐसे लोगों का जो है ना, ऐसे लोगों की सरकार दोबारा ना बनने पाए। आज अबू असीम आज़मी साहब की जानिब से एक बड़ा दावत इफ्तार का कार्यक्रम, नहीं, इनकी जानिब से, फात सर आपकी जानिब से एक बड़ा दावत इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था, बहुत सारे लोग अफ्तारी में शरीक हुए, क्या कहें? देखिए, पिछले हम लोग 12-13-14 साल से हम लोग हर रोड पे करते हैं, जनाब अबू असीम आज़मी साहब के आदेश पे, कि लोग गेट टुगेदर मिल लेते हैं इसी बहाने, और हम एक साथ में जाके डोर टू डोर सबको रमज़ान की मुबारकबाद नहीं दे पाते, मिल नहीं पाते, तो एक अफ्तारी एक बहाना रहता है लोगों से मिलने के लिए और लोगों को मुबारकबाद देने के लिए और हाल चाल पूछने के लिए। बस इसी के लिए हर साल अफ्तारी का अहतमाम किया जाता है। गोवंडी का यूथ जो है फात भाई स्पेशली आपसे जुड़ा हुआ है, उनको क्या मैसेज देंगे कि समाजवादी पार्टी की साइकिल से जुड़े रहे? देखिए, समाजवादी पार्टी एक संघर्षवादी पार्टी है, हमने ये देखा है नेताजी से लेके और जनाब अबू असीम आज़मी साहब से, हमने ये सीखा है कि अगर हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करें, किसी चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना, तो वो लड़ाई हम कभी जीत ही नहीं सकते। आज यह गोंडी के युवा माशाल्लाह कि जनाब अबू असीम आज़मी साहब जुड़े हैं, अट्रैक्टिव फेस है, मतलब बॉस का खुद वो किरदार है कि लोग उनसे जुड़ते हैं। एक बार हम ला के मिला देते हैं, अगर हमको कहीं लगता है कि कोई लड़का बोलता है ना कि कुछ गलत है, तो सिर्फ हम ला के जनाब अबू असीम आज़मी साहब के पास ला के बिठा देते हैं। ये हमारे रिजवान भाई यहीं सामने हैं, 15-16 साल से बड़ी कोशिश करता था, बोलते नहीं मुझे पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन एक बार तो लेके आया तो अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं, सुबह शाम बॉस के पीछे रहते हैं। तो मतलब वो दीवानगी उनमें, उनका वो किरदार देख के लोग जुड़ते हैं। तो इंशाल्लाह और भी युद्ध जुड़ता रहेगा सिवा अबू असीम आज़मी साहब की किरदार की वजह से।